वही सर को हमने छोड़ा इस बस में और सर को पीछा करवाया बस का। तो भाई सर ने बोला कि मैं अपना नंबर दे दो, पेमेंट कर दूंगा, पता नहीं पेमेंट आएगी नहीं आएगी। ऑलरेडी मेरे साथ भाई बहुत देर वेट करने के बाद वो बंदा आ ही नहीं रहा। इतना टाइम अपने को होता नहीं, और जैसे कि दिखा दूँ भाई बिल्कुल सुनसान। प्लस वहाँ पे मिलते हैं मेरे को, लेकिन वही है ना, कुछ अपना भी करना है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। तो भाई काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, मतलब 3 से 4 दिन का अपना गैप हो चुका है। और जो अपना मतलब हमने चैलेंज रखा था वो, उसमें भी काफ़ी गैप हो गया। उसका भी रीज़न है भाई, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिल्ली में 2 से 3 दिन हो गए बारिश हो रही है। मतलब आपको बता दूं, मॉर्निंग में बारिश हो जा रही थी 2 दिन, एक दिन फिर आपको पता ही है संडे वाले दिन हम राइड करते नहीं हैं, क्योंकि उस दिन आपको भी पता है कि ऑफिस जाना होता है। और दूसरी बात कि जो हमने चैलेंज लिया है उसमें संडे वाले दिन तो लोगों का ऑफ रहता है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आज निकले हुए हैं तो भाई राइड ऑन कर लेते हैं अपनी और देखते हैं फिर सबसे पहले आज कहाँ की राइड मिलने वाली है अपने को। और सुबह के बज चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 6:13, 6:13 हो चुके हैं और हमने 6:13 पर अपनी राइड ऑन कर लिया। देखते हैं कितने बजे ड्यूटी आती है, मतलब अपनी राइड आती है, और कितने बजे हम निकलेंगे और कितने बजे आज घर आएंगे, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों घर पे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, जैसे कि हमने 6:13 पे करा था, 6:27 हो चुके हैं, अभी तक कोई भी राइड नहीं बजी है। तो मैंने सोचा है कि चलो क्यों ना हम थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं, क्या पता कोई राइड मिल जाए। तो एक बार बाहर निकलेंगे अपने एरिए से, क्योंकि तो गलियों में तो वैसे भी बहुत कम आती है। तो मेन रोड पर चलते हैं और देखते हैं भाई कितनी जल्दी राइड मिलती है हमें बाहर निकलते ही। तो भाई सबसे पहली राइड आ चुकी है अपनी, जैसे ही बाहर आए हैं वैसे ही राइड आ गई है। तो भाई सबसे पहले हमें उतारना है द्वारका चौक टूरिस्ट कैंपस ककरोला। तो भाई चलो इनको पिकअप करते हैं पहले। हमें इसी हाथ पे सीधा सा जाना है, ऐसा ये मैप में दिखा रहा है। एक तो सड़कें हैं ना, सारी सारी ऐसी तैसी हो गई पड़ी हैं। सामने सर जी मिल चुके हैं, आइए सर। नहीं मैंने सोचा 24:31 बैठो। किधर जाना है? जल बोर्ड और जो अच्छा जल्दी चल रहे हैं, जल्दी बात। ओके ओके, थैंक यू सर। तो सर को हमने यहाँ पे ड्रॉप करा और 2 ही किलोमीटर की राइड थी मुश्किल से। और भाई सर को जाना था जल बोर्ड ऑफिस, और लोकेशन अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने इसमें मतलब वो हमें डालना पड़ता है कि भाई किस लिए, तो कस्टमर हेयर ड्रॉप, मतलब कस्टमर को यहीं तक जाना था। तो भाई ये क्या दिखा रहा है, अपडेट 22:09। तो कस्टमर को यहीं तक जाना था, वो कह रहा था। मैंने बोला भाई अभी तो 4 किलोमीटर की राइड और भी बची हुई है। तो कहते नहीं नहीं मुझे तो यहीं आना है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आपको जहाँ भी जाना है आप जाइए, बट लोकेशन आगे की दिखा रहा है। तो 22 रुपये मिले हुए हैं, 10 रुपये काट लिए यार, 31 रुपये, 8 रुपये सॉरी काटे। चलो ठीक है, जो भी है, अब नेक्स्ट राइड का हम वेट करते हैं। तो नेक्स्ट राइड अपने को कहाँ की? तो दोस्तों वहाँ पे खड़े होने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट एरिया 18 रुपीज़ एक्स्ट्रा 4 पॉइंट। भाई 4 किलोमीटर दूर लेने जाऊंगा तो फिर 21 किलोमीटर छोड़ूंगा, तो अपने को बचेगा क्या भाई? तो ये राइड हम नहीं लेंगे, क्योंकि यार 4.5 किलोमीटर
पिकअप करने जाना है और उसके बाद 21 किलोमीटर छोड़ने जाना है। नहीं भाई यार, इतना नहीं होगा, क्योंकि हमें जाने के, जहाँ तक मैंने देखे, जाने के अपने पैसे जुड़ते नहीं हैं। और बेफालतू में ही 4.5 किलोमीटर जाऊँगा, ढूँढूँगा और अपने आस पास ही देखेंगे यहाँ पे कोई अगर राइड मिल जाती है तो पहले। और मौसम भाई काफ़ी, मौसम का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी ठंड हो जा रही है, कभी एकदम बारिश हो जा रही है, दोपहर में गर्मी हो जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। और मतलब एकदम अभी मौसम बहुत ठंडा है, दोपहर में 10 बजे की तरफ एकदम गर्मी हो जाएगी और फिर शाम को फिर सर्दी हो जाएगी, समझ ही नहीं आ रहा भाई। 2 दिन बारिश हो गई, करते हैं वेट नेक्स्ट राइड का। और भाई क्योंकि यार देखो, मैं सच बताऊं, सेक्टर 21 जाने के बाद आने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई वापसी की ना राइड मिलती नहीं है और भाई अपने को ऑफिस जाना होता है, आप लोगों को भी पता है भाई सारी बातें, तो ज़रूरी नहीं है इतना दूर जाना। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या हद मार के 10 किलोमीटर की राइड कर सकते हैं। तो भाई राइड आई है द्वारका, हमने लेनी है 16 से और सेक्टर 6 पालम छोड़ना है, तो इनको पिकअप करते हैं पहले। चलिए तीन किलोमीटर हमने इनको पिकअप करना है भाई का। अभी तो ये दिखा रहा था 1.2 किलोमीटर। भाई यार इनका भी कोई समझ नहीं आता कैसे करें कैसे ना करें, अभी यहाँ दिखा रहा था भाई 1.2 किलोमीटर हमने पिकअप करना है और ड्रॉप करना है सेक्टर 6 में। खैर छोड़िए, जैसा भी है करना तो पड़ेगा भाई। वही सर को हमने छोड़ा इस बस में और सर को पीछा करवाया बस का, तो भाई सर ने बोला कि मैं अपना नंबर दे दो, पेमेंट कर दूंगा, पता नहीं पेमेंट आएगी नहीं आएगी। ऑलरेडी मेरे साथ 2 बार हो चुका है ऐसा कि भाई नंबर लेके चले जाते हैं, पेमेंट करते नहीं है, और ये 3rd टाइम है, देख लेते हैं। बाकी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। ओहो हो हो, क्या बात है क्या बात है, हो गई हो गई, सर की पेमेंट आ चुकी है भाई, 60 रुपीज़ रिसीव। तो भाई 60 रुपीज़ रिसीव्ड, भाई बंदा बढ़िया था क्योंकि उसने दे दिया। और भाई हमने भी अपनी पूरी कोशिश करी उनको ये बस पकड़वाने में, क्योंकि भाई आप मानोगे नहीं, 80 की स्पीड पे लेके आया हूँ मैं, और मतलब इनको इतनी जल्दी थी ना, कैमरा वैमरा मैंने कुछ भी ऑन नहीं करा, मतलब जल्दी होती भी बताओ, कहता भैया मेरी बस छूट जाएगी, तो मतलब चलिए कोई बात नहीं, और वेट करते हैं अब नेक्स्ट राइड का भाई। तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं सेक्टर 6 में, तो अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं भाई। तो भाई एक और राइड आ चुकी है, तो चलिए इनको पिकअप करते हैं, इनको पिकअप करते हैं फटाफट। और भाई काफ़ी देर के बाद राइड अपनी बजी है, क्योंकि बहुत देर से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जैसे जब से उन सर को छोड़ा है तब से यहीं खड़ा हुआ। तो भाई अब राइड आई है जाके, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, 4 मिनट से 1.5 किलोमीटर हमने अभी पिकअप करने जाना है, और 4 मिनट दिखा रहा, तो चलिए चलते हैं फिर। देर वेट करने के बाद वो बंदा आ ही नहीं रहा, इतना टाइम अपने को होता नहीं। और जैसे कि दिखा दूं भाई, बिल्कुल सुनसान एरिया है भाई, और काफ़ी देर होगी वेट करने के बाद, अपने को नहीं पता ना भाई बंदा कैसा है कैसा नहीं है। और कॉल करी मैंने तो भाई वॉइस भी काफ़ी रूडली आई, हाँ भाई बड़ा ही खड़े रहिए, हाँ भाई। तो मैंने फ़ोन करा, मतलब भाई घनी देर हो ली आ जाए, तो कहने लग गया भाई 2 मिनट रुकिए। अरे भाई घनी देर हो ली भाई, हमने भी खड़े खड़े, हमने भी अपनी ड्यूटी बजानी है और भी करनी है हमारी, ये करा भाई हमने भी फिर मार दी ड्यूटी कैंसिल, इतना थोड़ा ही है। अब वेट करेंगे दूसरी ड्यूटी के लिए, जब तक भाई नेक्स्ट राइड नहीं आ जाती,
क्योंकि यार सही नहीं लगता ना, मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पे इतना सुनसान एरिया अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए राइड कैंसिल कर दी। अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं यहाँ पे खड़े होके एक बार। ओ भैया आ चुके हैं भाई, OTP बताना जी। 0597 0597। तो भाई हमें जाना है सेक्टर 10। तो भाई निकलते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन पे और सर को छोड़ना है सेक्टर 10 स्कूल में। डेली गोइंग का शायद ऐसे कुछ स्कूल है, मैंने नाम पढ़ा है। पेमेंट ऑनलाइन करोगे? हाँ इससे कर दो। तो यहाँ पे कर दिया हमने भैया को ड्रॉप उनके स्कूल में। ओके ओके भैया, थैंक यू। तो अब वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। और भाई अभी बजे हैं 7:52, मतलब कि हम अपनी जो राइड है वो बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें 8 बजे के बाद अगर हम कोई भी राइड लेंगे तो उसमें हमें इंसेंटिव मिलेगा अगर हम 3 राइड ले लेते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट 8 बजे ऑन करेंगे। पीछे हो जा भाई। तो भाई अभी तक कोई भी राइड मिली नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यार काफ़ी देर हो गई है खड़े खड़े अपने को यहाँ पे। और आपको पता हो जो मतलब भैया को यहाँ स्कूल छोड़ा था जिनको, बस उन्हीं को छोड़ने के बाद अभी तक मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कोई भी राइड नहीं आई है। आगे पीछे होके भी देख लिया, तो देखते हैं थोड़ा सा और आगे पीछे और वेट करते हैं और 9 बजे तक करेंगे राइड। 9 बजे तक जो भी आती है ठीक है, नहीं तो अपने घर हो लेंगे और जैसा भी रहेगा। फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा अपनी, क्या पता थोड़ा आगे और जाने से राइड आ जाए। यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से निकल जाएगी। तो भाई यहाँ हो चुके अपनी एक और राइड कंप्लीट, और भाई पूरा आधा घंटा लग गया यहाँ आने में क्योंकि गलियाँ काफ़ी ख़राब थी उन्होंने का। तो वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का, क्योंकि भाई काफ़ी दूर आ चुके हैं घर से। तो लोकेशन ऑन कर देते हैं घर की, तो जो है अपने को वहीं की राइड मिलेगी 61 रुपीज़। सबके बनते थे 73 और अपने को मिले हैं 61 रुपीज़।
तो वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। और 9 बज चुके हैं, जैसे कि मैं टाइम दिखा देता हूँ, 9:01 हो चुका है। और 9:01 तक हमने जो टोटल राइड कंप्लीट करी है, तो मैं दिखा देता हूँ, 4 राइड हमने कंप्लीट करी है। 4 राइड के 157 रुपीज़ अपने बनते हैं। तो भाई यार काफ़ी कम मतलब अर्निंग हुई है आज। और कई दिन तो ऐसा होता है कि भाई मॉर्निंग में ही 7 बजे तक 200 रुपये अपने हाथ में हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और भाई मैं बता दूं, वीडियो डालता हूं और भाई मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे, और मेहनत करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो ज़रूर हम सफल होंगे। और अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जो सामान लेने के लिए, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई माइक वगैरह के लिए ये सब हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे। मतलब जैसे कि भाई का कमेंट आया कि भाई राइड नहीं आ रही, तो भाई राइड आएंगी और काफ़ी अच्छी अच्छी आएंगी, क्योंकि भाई जब स्टार्ट करा है तो करेंगे। तो आप बस सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही हमारा साथ मत छोड़ना बस। जब ये लिया था तो इससे ऊपर आया नहीं था कोई, अभी आया 12, तो वो ले रखा है। अभी माइक वगैरह लेना है, फिर देखेंगे, थोड़ा निकलेंगे बाहर बाहर। माइक वही है ना, अगर वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो वो जो वीडियो क्लियरिटी कितनी भी दे दो मज़ा ही नहीं आएगा। नहीं नहीं अभी स्क्वाड वगैरह कोई नहीं है, जब मन कर जाता है, जब मर्जी मैं और भाई निकल जाते हैं, मतलब छोटा भाई है ना वो साथ निकल जाते हैं। अडेप्टर अडेप्टर इतना महंगा है, 4000 का अडेप्टर आएगा माइक अडेप्टर। नहीं नहीं अडेप्टर कैमरा तो ये जैसे अपना जो अब जो नॉर्मल हो गया 43 में आ जाएगा, हाँ उसके बाद अडेप्टर माइक अडेप्टर आता है वो 4,000-4,500 का आ रहा है। उसके बाद माइक के लिए वो भी 5,000-6,000 के आएंगे। हाँ तो इसीलिए मतलब जो भी है इसी से निकालते हैं, जो भी करते हैं। आप भी जॉब करते हो या क्या जा रहे हो? अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा, वेरी गुड यार। ओके। रनिंग जल्दी हो रही है भाई, भाई ऊपर ऐसे करा ऐसे ले जाता है भाई। जाना उधर है तो पहले मुड़ जाना, यहाँ आके क्यों मुड़ रहा है? प्लस वहाँ पे मिलते हैं मेरे को, लेकिन वही है ना कुछ अपना भी करना है। चलते हैं यार नेक्स्ट रोड। तो भाई बच चुके हैं अब 10 और हम आ चुके हैं अपने घर के इधर। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको कल एक और न्यू वीडियो में और नेक्स्ट राइड में। तो भाई होप करते हैं आपको मज़े आए होंगे और आप सभी मज़े कर रहे होंगे। और भाई सपोर्ट बनाए रखो, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि यार इसके बाद जो है ना वो आपको ऐसी राइडें देखने को नहीं मिलेंगी, उसके बाद मिलेंगी मज़ेदार राइडें, मतलब डेस्टिनेशन जो बाहर एकदम। और बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, माइक आ जाए अच्छा सा। और अपने बस यही दिक्कत है माइक की, क्योंकि कितनी दूर जाएंगे और माइक वाइक की आवाज़ क्लियर ना हो, काफ़ी बंदों ने शिकायत करी है, बस उसी के लिए इतनी मेहनत चल रही है। तो भाई मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में।